चलो जी, अब जो है थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करते हैं। अब है आज डे टू रमज़ान प्रिपरेशन। ये मेरे सारे लेंस का ये जो है ड्रॉ है, ठीक है। तो मैं सोचूँ अभी लेंस सारे निकालूँ, जो जो न्यू आए हुए हैं, जो जो मुझे यूज़ करने हैं, तो वो सारे निकालूँ, एक साइड पे रखूँ। फिर यार पता नहीं चलता मुझे, जो आमना वालों को देना है वो उनको दूँ, जो मुझे मेरा लेना है मैं अपना लूँ। ये देखिए कितने सारे पड़े हुए हैं बैग्स खामखा। ये सारा जो ड्रॉ है ना, मैं ये सारा नॉर्मल करके रखूँ। और ये मेरे यूजिंग के लेंसेज हैं, बिस्मिल्लाह। सारे निकालती हूँ, सेट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सही है बस। और ये हमारे यूजिंग वाले लेंसेज सारे। ओके डन। या सोचिए दो तीन ना इसमें रख देती हूँ, बाकी दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हम ना शूट वगैरह पे जाते हैं ना कभी, तो लेंस हम इसमें हमें जरूरत पड़ती है। हाँ। तो किसी में निकालो और रख दो, बस एक दो सही, बाकी सारे नहीं दे रही हूँ। सही है ये भी, बस चार काफी है, सही ना, बाकी सारे ये हो गए फाइनल। हम ना देखें, ये मेरे जो है मुझे अक्सर मतलब अच्छे लगते हैं, जो मैं ज़्यादा पहनती हूँ, ये वो वाले हैं, थोड़े एक्सपेंसिव वाले, और ये थोड़े नॉर्मल वाले हैं, ये न्यू हैं। बाकी सारी चीज़ें मेरी सेट हो गई, सुकून आ गया। अब रमज़ान में ये होगा ना कि अभी कुछ चीज़ें मुझे सेट नहीं करनी पड़ेंगी। अब ये सेट करूँ, ये सारा सेट करूँ, ये भी करूँ। अब मैं बोले ये मैं जा रही हूँ खुद ही करो। यही था मुझे, कैसी बहन है तू, चीजें लेने के लिए आ जाती है, हेल्प के लिए नहीं आती है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ऑर्गेनाइज चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब इसमें देखते हैं क्या निकाल के फेंकना है और क्या रखना है। और ये मेरी थर्ड बोतल है जो मैंने सबीना से छुपा के रखी है, बहुत यूज करती है वो चीज़ है। चलो भाई, हमने रुको, मैं चीजें पीछे, मैं जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ। ओके, सच में जा रही हो? यस। बैठ ही जाओ बहन की, हेल्प कर दो। और ये मैं रखती हूँ अक्सर उनके नेम, ताकि मुझे लेंसेज के याद रहें, इसीलिए तो ये यहाँ पे रख देती हूँ। देखूंगी कौन से वाले लेंस का था, और ये भी बाद में फेंक दूंगी। चलो हो गया, हो गया। ये अब मैं हेयर एक्सेसरी सारी इसमें सेट कर रही हूँ। यस, ये बना के फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके, चेंज हो गया सब सेट। इसमें मैंने ये ग्लासेस वगैरह रखे हैं, एंड इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप, एंड यहाँ सारे लेंसेज, और यहाँ पे सारी हेयर एक्सेसरीज जैसे क्लिप वगैरह जो भी इसके लिए चाहिए हो। एंड ये थोड़ा मैंने डब्बी एक्स्ट्रा वाली रखी है भाई, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मेकअप। एंड यहाँ पे सारी लैशेस, एंड यहाँ पे सारा हेयर केयर हो गया फुल सेट। अब बस बाकी इसकी बात, ये इसको क्लीन करूँ, इसको सेट करूँ, एंड ये सारी खिंच उठाऊँ। चलो जी, सब हो गया, ये भी साफ पूरा क्लीन हो गया। अब जो है मैंने ऑयलिंग शेलिंग की है, और उसके बाद नहा के आती हूँ, और फिर जो है बाकी की सारी चीज़ें करते हैं। पता नहीं कि ये मेरे मिरर मासी ने आज साफ नहीं किया, इतना धुंधला है। तो जी, अभी मैं चाय पी रही हूँ और अपना ड्रामा देख रही हूँ, आफ्टर दिस सफाई ये ड्रामा देख रही हूँ। तो अभी जी हो रही है सफाई, रमजान सफाई पार्ट टू, कुछ इस तरह से। ये सारा बिखरा हुआ है, सारा क्लीन होगा, सब सफाई होगी। और मैं सोच रही बेडशीट भी चेंज करूँगी, लाइट्स भी लगवाऊंगी, वो सभी नवाले जब तक उठें तब तक ये बहुत सारी डीप क्लीनिंग। और मैं सोच रही क्लीन के साथ साथ ना मैं जो है थोड़ी सेटिंग भी चेंज करूँ, देखती करवा पाती या नहीं वो बाद में दिखाती, अब तक तो सफाई हो जाए, ये बहुत है। ये देखिए जी, कुछ ये हो गया क्लीन, सारी डीप क्लीनिंग। हाँ सही है यार, मैंने जो न्यू चादर मंगाई थी वो आई नहीं है, अब जब तक वो आए तब तक इससे गुजारा ये चढ़ा लेती हूँ मैं। ये वाइट वाली है तो कम इसके लिए आज अच्छी लगी, वैसे मेरे पास न्यू है ब्लैक के, पर वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर की तो वो अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं वाइट चढ़ा रही हूँ।
जब तक हो रही इसकी सफाई तब तक नाश्ता कर लेते हैं। तो जी जब तक हो रहा है तब तक मैं अपना नाश्ता करती हूँ। मैंने सैंडविच बना लिया है, चार बस वो खाऊंगी और उसके बाद फाइनल सफर। ये देख मेरे रूम की वजह से ये सेट यहाँ पड़ी, वो चीज़ें वहाँ पड़ी, सारा बिखरा पड़ा है। हाँ ज़रूर गाइज, हम पी रहे हैं चाय। आ जाओ मुंचो, आ जाओ, आ जाओ, आ आ आ आ, इसे इसे ये मिंसो, इज इट यमी यमी। अभी ये कैमरा के सामने मासूम बन रही है गाइस, उसके बाद में मुझे मारेगी, बोलेगी पपी। तो जी वो कम हो गया और लाइट भी आ गई है। मैंने पर्दे थोड़े से सेट किए, बेड थोड़ा सा आगे किए ताकि पर्दे जो है ना मेरे अंदर जाए, ठीक है। और बाकी ये चीज़ भी क्लीन हो गई यार, मैं सेटिंग चेंज नहीं कर पाई जी अम्मी। जी पप्पू दी जान, थैंक यू। ये मेरी मिंसा हेल्प कर रही है गाइस मेरा रूम सेट कराने में। बाकी डस्टिंग वगैरह हो गई है, बाकी इसकी थोड़ी डस्टिंग करवाऊँ। सारा रूम आज जो है ना मेरा चमक रहा है, डीप क्लीनिंग करवाई है जी पप्पू। लो पप्पू दी जान दे, थैंक यू। ये छोटू मेरी हेल्प करवाते हुए, तो पप्पू कम मिंचो, कम कम कम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, से हाय जी जान, हाय, हाउ आर यू। ओ छोटू आज हमने इसको इजी कपड़े पहनाए हैं ताकि ईजीली घूमती फिरे, और इसके बाद मुझे पता था ये डस्टिंग वगैरह की कचरा होगा, इसके बाद इसको तैयार करेंगे। मिंसो व्हाट आर यू डूइंग यार। बाकी ये सेटिंग रहती है, जितनी रमजान की खुशी है उतने रमजान के काम भी बहुत ज्यादा हैं, है ना मिंचो जान। मिंचो जान से यस यस, समझ नहीं आई हमें बात बट यस। चलें जी, तो ये देखिए मेरा रूम हो गया है सेट। बाकी यहाँ पे मैट बिछाऊंगी, वो बाद में आके बिछाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है, थोड़ा बहुत सामान लेना है रमज़ान के लिए। चलते मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेना है। बस अम्मी रेडी हो चुकी है, अम्मा को भी मैंने बोला चलो, और सभी ना को भी देखती हूँ कौन चलता है कौन नहीं चलते हैं, तो सामान वामान लेकर आते जो भी रतक होता है। चले अब चलते, इंशाल्लाह आपसे जो है डेली व्लॉग्स आएंगे, तो आप लोगों ने डेली देखना है, बहुत ज़्यादा प्यार भी शो करना है, ठीक है जी। और ये बस मैंने यही किया, बहुत मैंने सोचा था सेटिंग चेंज करूँ पर नहीं हो पाई यार। चलो सफाई तो हो गई ना, चिकना चिकना सा मेरा रूम लग रहा है। और ये लाइटिंग से, ये लाइटिंग्स यहाँ पे लगाऊंगी, और जो भी सेटिंग है बाद में। चलो चलो गाइस वी आर गोइंग, भाभी जा रही अपने टेलर के पास कपड़े शपड़े देंगी, ईद की रमज़ान की तैयारियाँ। हाँ बिल्कुल, अभी से कई सामान दिया चुके, यस रमज़ान का सामान, यहाँ पे भी सामान सामान ही सामान। चलो गाइस बस हम जा रहे हैं अभी। चलो भाई आ गए हम लोग यहाँ। हाँ भाई यहाँ हम यहाँ देखते हैं कुछ अच्छा लगता है कि नहीं, ये अलग अलग वजन के हिसाब से किलो किलो कैसे पे आए हैं थर्ड वाले पे अंडे करें। अब उससे मुझे भी यही अच्छा लग रहा है, ये वाले देखिए यहाँ पे वैरायटी भी है एंड जिस तरह से मुझे चाहिए वो चीज़ें भी मैं देख लूँगी। और फाइनल ऐसा करती हूँ मैं देख के पसंद करके चीज़ें बाद में दिखाती हूँ। हाँ जी बस हम फाइनल अपने सामान देख रहे हैं, बस कुछ मिल जाए तो उसके बाद हम देखते हैं। जब हम लोग आए यहाँ पे गोलगप्पे खाने, सदैव मैं इसका ट्रेडर पसंद करती हूँ, है ना, ये कहने वाली जब तक गोलगप्पे बने। ये क्या सिर्फ छोले छोले तो डाले इसमें, यही होता है हमारे हैदराबाद में, जहाँ से दिखाओ अच्छी हमें नहीं मिलेंगी गोलगप्पे अच्छे वाले। गोलगप्पे कराची के अच्छे, एक ही कराची, हाँ मस्कन के आए हो। इश्क प्यार में जिंदगी बर्बाद ना कर, गोलगप्पे खा मगर मुँह चुका रही सजा घर ने मेरा अच्छे नहीं हम ना सही अच्छे नहीं फिर पंजाबी खा था नॉर्मल मतलब इतना खास नहीं करना फिर अच्छा के चलिए। आ गए हम लोग
ये हुलिया करके तो गाइज अभी जो है हमारी चाय बन चुकी है। ये अम्मी ने बनाई है इसीलिए अम्मी ने हमें हाफ हाफ कप दिए हैं ताकि हम रात को फिर से पिएंगे, है ना अम्मी। तो अम्मी आज बड़ा थक चुकी है, मेरे साथ चली थी, हम लोग सामान वामान लेकर आए इसीलिए अभी हम चाय शाय पियेंगे। हाँ तो गाइज मैं अभी जैसे चाय शाय पीऊँगी अब मैं थोड़ा अपना हुलिया बेहतर करूँगी, थोड़ा मेरी थकावट कम हो, ये मैं दिखा चुकी हूँ। ये मैंने बनाई है पर अम्मी जो कह रही है अम्मी ने बनाई है आधी अम्मी आधी में चीनी मैंने डाली चीनी इसने डाली तो मतलब गाइस इसने बनाई दो मेरे। हाँ हम लोग थक कर आए थे मैं और अम्मी हम ना इसीलिए हम लोग अभी चाय पियेंगे और ये सभी ने समोसे लाए हैं, मेरी शक्ल दिखाए हैं तो चाय पी के बाकी के भी काम करूँगी। ओके जब तो गाइस हम अगेन जा रहे हैं नीचे, चाय शाय पी ली फिर से सेकेंड राउंड देख कर रखते हैं नीचे और बाद में आके फिर दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ जब तक मैं अपनी बाकी वाली चीज़ें लेकर आऊँ। गाइस नीचे से रुक गया है, हमें नहीं मिला, पता नहीं कहाँ पर कोई शॉप है, जब भी गलत मिल जाते हैं हमें नहीं मिलते। हाँ उनकी चील सी आँखें और हमारी चूहे सी आँखें जो हमें नहीं, अगर हम घर ये देखिए गाइस हमारा लग चुका है फाइनली, हमने बंद कर दिखाई नहीं दे रहा, ये बंद करो ये अभी मैं जला के आप लोग को दिखाती हूँ, ये पकड़ो मैं जलाऊँ और दो मिनट हमें दो हम लोगों को दिखाएं कि हमने क्या नया लगाया है। करीब आएंगी अच्छा है लगा ले यस वाह सीन लग रहा है वाह अब लग रहा है ना रमजान करीब, देखो कितना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। चलो चलो अब चुटी करो सारे चुटी करो अब हमें सिर्फ एक खतरा है और कुछ नहीं, हिंसा से सिर्फ बाकी सब सेट है। ये जो हमारी कुकी है ना ये हमारी कुकी ही है, ये तब तक सलामत है जब तक मिंसा नहीं है। हाँ मिंसा आएगी ये पूरी नीचे होंगी, क्या कर सकते हैं आप। डन तो ये देखिए जी ये फाइनल हो गया, ये इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये भी क्लीन मैट बिछा दिया है मैंने। अब बाकी ये जो है मैं सोच रही ये लगा लूँ, ये यहाँ से यूँ सोच रही हूँ कि लगाऊँ बट यार ये जो मिंसा है ना क्या करूँ मैं मिंसा का, मिंसा मुझे लग रहा है हाथ हाथ लगाएगी इसको बिल्कुल ख़राब कर देगी और ये मुझे मिरर भी साफ़ करना, अभी ये साफ़ करती हूँ अब इसका क्या करूँ। चलो फिलहाल लगा देती हूँ जब तक वो आए, फिर ऐसा करूँगी भला निकाल ही लूँगी। ये देखिए जी ये इस तरह से मैंने लगा दिया है, अब यार ये अच्छा तो बड़ा लग रहा है प्यारा लग रहा है बट अंटिल ये कुकी ना आए हमारी और ये कुकी इसका कुका ना निकालते। बच्चों के साथ में सही कहते थे जो भी हमें कहते थे, अभी ये सेठे बच्चे जो आते हैं ना ये बिगाड़ के रख देते हैं, सही कहता था जो भी कहता था बिल्कुल सही कहता था भाई। तो ये हो गया मेरा पूरा रूम सेट, टन टन यहाँ से दिखाती हूँ इस तरह से हो गया जी पूरा सेट, कितना प्यारा लग रहा है। बाकी ये अमना वालों की चीज़ें जो है ना अब सेट है। गाइस आज हम जो है ये कप लाए थे, सभी ने उठा के दिखाओ गाइस को दिखाऊँ कितने प्यारे कप हैं, ये देखिए आज हम ये कप लाए थे और इसके अलावा ग्लासेस लाए हैं ये वाले और इसके अलावा कुछ चीज़ें लाए थे, ये रख लो मैं दिखाना भूल गई, मैंने सोचा अभी देखो प्यारा है ना अच्छा लग रहा है सभी ने आपको यस एंड ग्लासेस भी अच्छे हैं। ये देखो ये लाए हैं हम, यार ये दवाइयाँ तो हटा दो यहाँ से, किसकी खांसी है जो जाती नहीं है आमना की। और अभी मैं बना रही हूँ अगेन चाय और ये अबू फ्रूट्स वगैरह लाए, अगेन चाय बना रही हूँ, हम लोग चाय पियेंगे, चाय शाय पी के रूम वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया, सारी चीज़ें रख दी हम लोगों ने, फिर इंशाल्लाह इस ब्लॉग को ये ख़त्म करते फिर कल वाला सीरीज से ब्लॉग शुरू करेंगे।